हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं व्रत का नमकीन, यानी कि मखाना नमकीन। आप इसको मखाना चिवड़ा भी कह सकते हैं। मखाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अंदर भरपूर मात्रा में आयरन, फाइबर और जिंक होता है, जो कि शरीर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। विशेषकर हृदय रोगियों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। नवरात्रि व्रत के अंदर आप इसको एक बार बनाएं और 9 दिन तक इसको इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए ये सेहत से भरपूर मखाना नमकीन बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच डाल देंगे घी, और जब घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो उसके बाद में हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कच्ची मूंगफली। और मूंगफली को हमें फ्राई करना है जब तक कि ये थोड़ी सी सुनहरी ना हो जाए। तो हम इसको रेगुलर चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, मूँगफली अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो मूँगफली को निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। इसके बाद में अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 कप बादाम और 1/2 कप डालेंगे सूखा नारियल, जिसको मैंने लंबी शेप के अंदर काट लिया है। तो अब इन दोनों चीज़ों को भी हमें फ्राई कर लेना है। तो हल्का सा फ्राई करने के बाद में हम इसको भी प्लेट के अंदर निकाल लेते हैं। आप इसके अंदर और भी ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी हमने प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसके बाद में अब बचे हुए घी के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, और करी पत्ते को बस कुछ सेकंड के लिए हल्का सा आपको भून लेना है। और इसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे फूल मखाने, यानी कि 100 ग्राम लगभग मैंने फूल मखाने लिए हैं। तो इन मखानों को डालकर अब बिल्कुल लो और मीडियम फ्लेम पर हमें भून लेना है। और ध्यान रखिएगा कि नॉनस्टिक कढ़ाई में अगर आप बना रहे हैं तो फ्लेम को आप मीडियम रख सकते हैं। अगर आप लोहे की या एल्यूमिनियम की कढ़ाई में बना रहे हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रोस्ट करें, जब तक कि ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी ना हो जाए। तो हम इसको रेगुलर चलाते रहेंगे और लो और मीडियम फ्लेम पर इसको रखेंगे। तो लगभग 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको चलाते हुए, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी हो चुका है। तो बस इसी स्टेज पे आके फ्लेम को बिल्कुल कम कर लेंगे, और इसके बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे सेंधा नमक। व्रत में बना रहे हैं इसलिए इसके अंदर सेंधा नमक हमने डाला है। इसके बाद में थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर डाल देंगे और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डालने के बाद में हमने जो चीज़ें फ्राई की है, यानी कि मूंगफली, बादाम और नारियल, ये भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स होने तक चलाते रहेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इजी रेसिपी थी, सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर बनके तैयार हो गई। और मखाना नमकीन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, तो आप इसको नवरात्रि व्रत में ज़रूर बनाएं और ज़रूर खाएं। तो बस फ्लेम को अब हम बंद कर लेंगे और इसको एक प्लेट के अंदर या एक बोल के अंदर डालकर सर्व करेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल इजी रेसिपी थी मखाना नमकीन। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी नई रेसिपी आपके पास में सबसे पहले पहुँच पाए।